ये सेट एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। मैक्सिमम 7 मिनट्स का टाइम आपको लेना चाहिए था इस सेट को सॉल्व करने के लिए। अ स्पेशलिटी सुपरमार्केट सेल्स 320 प्रोडक्ट्स। ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स वाज ईदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और अ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स वाज आल्सो ईदर अ फॉरेन प्रोडक्ट और अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैड एटलीस्ट वन ऑफ द टू अप्रूवल्स FDA और EU। The following facts are also known। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। कई बार हम टेबुलर फॉर्म में इनको अरेंज करते हैं। मैं हमेशा वेन डायग्राम यहाँ पर प्रेफर करता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अलग अलग वेन डायग्राम बना लें, जैसे फॉरेन प्रोडक्ट का अलग बना लें और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अलग बना दें। उनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फॉरेन कॉस्मेटिक एंड फॉरेन न्यूट्रिशन। ऐसे ही डोमेस्टिक कॉस्मेटिक एंड डोमेस्टिक न्यूट्रिशन, और उनमें दो अप्रूवल्स पर हम फोकस करें, FDA और EU पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेन डायग्राम बना लेंगे चार अलग अलग केसेस को कंसीडर करते हुए। फर्स्ट वेन डायग्राम पे अगर हम फोकस करें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेस्टिक कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेस्टिक न्यूट्रिशन को, ये फॉरेन कॉस्मेटिक को, फॉरेन न्यूट्रिशन को। ये वैल्यूज अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ एक चीज कंफर्म है, ये वाली जो वैल्यूज होंगी ये हर केस में जीरो होंगी, बिकॉज लिखा है कि हर एक प्रोडक्ट इन कैटेगरीज में फॉल करता है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ में। देयर वर इक्वल नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इक्वल, दैट इज 160, एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स भी क्या होंगे 160, टोटल हमारे पास 320 है। हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वर FDA अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इसका हाफ 80। FDA approved, say this is FDA approved, this is EU approved, ऐसे ही हर एक जगह हम FDA और EU approved लिख देते हैं। इनमें से जो हाफ थे, हाफ इज 80, FDA approved cosmetic products थे, that means यहां पर जो वैल्यू है हम क्या लिखेंगे, 80। नेक्स्ट पॉइंट, none of the foreign products had both the approvals। foreign products की बात करें, दोनों अप्रूवल किसी के पास में भी नहीं था। While 60 domestic products had both the approvals। अगर इस वैल्यू को हम लेट अस से A नाम दे दें और इसे हम नाम दे दें B, तो A plus B इन दोनों का सम कितना होगा, 60। Next point, there were 143 nutrition products। अगर हम इन दोनों की बात करें तो nutrition product कितने थे, 140, half of them were foreign products। ये value 70 हो गई। Now क्योंकि total foreign products 160 है, so this value has to be 90। ये 70 है, तो ये भी 70 होगा, तभी इन दोनों का सम 140 होगा। और अगर ये 70 हो गई, तो ये वाली value क्या हो जाएगी हमारी, 90। Now interestingly यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं। देखिए, अगर ये 80 है total circle की value, तो ये वाली वैल्यू हम इमीडिएटली क्या लिख सकते हैं, 10, क्योंकि इन सब का सम कितना होना चाहिए था, 90। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वर 200 FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स। FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स का सम करेंगे तो 200 होगा। 70 ऑफ देम वर फॉरेन प्रोडक्ट्स। यहां पर फॉरेन प्रोडक्ट जो थे वो 70, दैट इज इसका और इसका सम 70 होगा। टोटल 200 है, अगर इन दोनों का सम 70 होगा तो इन दोनों का सम 130 होगा। ये 80 है, तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। साथ में एक बात और लिखी है, 120 ऑफ देम वर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। यहां पर ये भी कॉस्मेटिक है, इसकी वैल्यू 80 है, ये भी कॉस्मेटिक है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 40, तभी इन दोनों का सम 120 होगा। अगेन यहां पर इन दोनों का सम कितना है, 70, तो अगर ये 40 है तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, 30। इमीडिएटली अब हम जो वैल्यूज हमको लिख सकते हैं, यहाँ पर डेफिनेटली 30 होगा, इस सर्कल का सम 30 है, तो ये वाली वैल्यू 40 होगी, बिकॉज टोटल का सम 70 होगा। ये 40 है, हम इसे यहाँ 40 लिख देते हैं। अगर ये 40 है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 50। नाउ ये टोटल 50 है, आउटर सर्कल जो है ये यहाँ पर जो रेक्टेंगल है इसकी वैल्यू 70 है, सो दिस हैज टू बी 20। ये अगर हमने बी लिखा है तो ये वैल्यू होगी 50 माइनस बी। ऐसे ही इसको हमने ए लिखा है तो ये वैल्यू होगी 80
माइनस ए, ध्यान रखना है ए और बी का सम 60 होना चाहिए। सारी वैल्यूज हमने एक बार यहां लिख दी हैं, अब हम क्वेश्चंस का आसानी से आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फॉरेन प्रोडक्ट्स वर एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। फॉरेन कॉस्मेटिक एफडीए अप्रूव्ड, आंसर होगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव एफडीए अप्रूवल। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक तो ये है और एक ये है। एफडीए अप्रूवल कितनों के पास नहीं है, यहां पर 10 के पास और यहां पर 50 के पास, टोटल करने पर 60। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस मोस्ट अनएक्सेप्शनल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स that had both the approvals, domestic cosmetic products that have both the approvals। यहाँ पर हम A की lowest value क्या रख सकते हैं? तो ध्यान रखना होगा, जब हम A की lowest value पर focus करेंगे, तो हमें B की highest value देखनी होगी। B की value किसी भी हालत में हम 50 के ऊपर नहीं ले जा सकते, otherwise ये हिस्सा negative हो जाएगा। तो B की maximum value अगर 50 हो गई, तो A की minimum value क्या होगी? 10। तो A की minimum value तो 10 होनी चाहिए। अच्छा, बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बिकॉज ए में हमारे पास काफी मार्जिन है। अगर हम बी को जीरो कर दें, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू 60 होगी, और 60 पुट करने पर ये हिस्सा नेगेटिव नहीं होगा। तो हम कहेंगे ये 10 से लेके 60 तक कुछ भी हो सकती है, एटलीस्ट 10 एंड एटमोस्ट 60। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ही रहे, 70 के पास ईयू अप्रूवल नहीं है, हाउ मेनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल्स। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे पहले हम फोकस करेंगे, ये रहा और ये रहा। इनमें से 70 के पास में ईयू अप्रूवल नहीं है। नाउ 70 के पास अप्रूवल नहीं होने का मतलब, अगर हम यहां देखें, तो यहां पर 40 के पास ईयू अप्रूवल नहीं है, तो डेफिनेटली यहां पर 30 के पास ईयू अप्रूवल नहीं होगी। That means 80 minus A has to be 30. ये तभी possible होगा जब हम A की value क्या put कर देंगे? 50. अगर हम A की value 50 put कर दें, तो B की value क्या हो जाएगी? 10. Question में क्या पूछा गया है? How many nutrition products had both the approvals? Nutrition product both the approvals यहाँ तो 0 है। यहाँ पर B की value हमें पूछी गई थी, जो हमने calculate की है 10. First option हमारे इस question का answer होगा। Last question. If 50 nutrition products did not have EU approval, हम बात कर रहे हैं nutrition product की, ये रहा nutrition product, ये रहा 50 के पास EU approval नहीं है, यहाँ पर EU approval नहीं है, कितनों के पास? 30 के पास। तो definitely ये वाली value क्या होनी चाहिए थी? 20। ये 20 कब होगा? जब हम B की value put करेंगे 30। Question में क्या पूछा गया है? How many domestic cosmetic products? Domestic cosmetic products did not have EU approval. Did not have EU approval. हमें ये value निकालनी। Now अगर B 30 हुआ, तो A भी क्या होगा? 30। और A की value 30 यहाँ put कर दें, तो 80 minus 30 करने पर हमारे इस question का answer क्या होगा? 50।